स्वागत है आपका सिविल सर्विस फॉर यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज का हमारा जो करंट अफेयर का टॉपिक है वह है भुलाए जाने का अधिकार, यानी राइट टू फॉरगेटन। ठीक, ये टॉपिक मैंने कई बार कवर करा रखा है, ठीक, लेकिन बार बार न्यूज में आ रहा है तो इसको बताना जरूरी है। एक प्रकार से रिविजन भी हो जाता है और कुछ नई बातें इसमें आती हैं तो वो भी हम रिकॉल कर लेते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक, भुलाए जाने का अधिकार यानी राइट टू फॉरगेटिंग। क्लियर। पिछले हफ्ते केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित करते हुए कहा कि भुलाए जाने का अधिकार यानी राइट टू फॉरगेटिंग निजता के मौलिक अधिकार का हिस्सा है, लेकिन इस मामले में इसकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। विभिन्न अदालतों में दायर याचिकाओं में इस अधिकार को लागू करने की मांग की गई है। भुलाए जाने का अधिकार एक कानूनी सिद्धांत है जिसे अभी तक भारत द्वारा कानूनी समर्थन नहीं मिला है। ठीक है, भुलाए जाने का अधिकार क्या है? क्लियर। भुलाए जाने का अधिकार के तहत किसी व्यक्ति को इंटरनेट से उसकी निजी जानकारी को हटाने का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, सो ये लाइन प्लीज प्लीज और प्लीज इसको माइंड करते रहना। ठीक है, कि इंटरनेट से किसी व्यक्ति की निजी जानकारी को हटाए जाने का अधिकार होता है। इस अवधारणा को विदेश में कुछ न्यायालयों, विशेष रूप से यूरोपीय संघ में मान्यता मिल चुकी है। सो ये लाइन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि यूरोपीय संघ में इसको मान्यता मिल चुकी है, किसको? राइट टू बी फॉरगेटन को। भारत के संदर्भ में क्या है कहना? भुलाए जाने का अधिकार यानी राइट टू फॉरगेटन व्यक्ति के निजता के अधिकार के दायरे में आता है। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान देना कि निजता के अधिकार के दायरे में आता है। वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने एक ऐतिहासिक फैसले पुत्तु स्वामी मामले में निजता के अधिकार को एक मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखना कि जो ये वक्तव्य है सुप्रीम कोर्ट का 2017 का, ठीक है, ये पुत्तु स्वामी जो मामला है, निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार यानी आर्टिकल 21 के तहत इसको घोषित किया गया था। अदालत ने उस समय कहा था कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत हिस्से के रूप में और संविधान के भाग 3 द्वारा गारंटी स्वतंत्रता के भाग के रूप में रक्षित है। ठीक है, सो गाइज प्लीज ये लाइन माइंड करते रहना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे संविधानी एक्सप्लेनेशंस है कि जो निजता का अधिकार है वह निजता के अधिकार के अंतर्गत फॉगटेन को रखा गया है और ये आर्टिकल 21 के द्वारा संरक्षित है। क्लियर। और इसमें कहा गया है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत हिस्से के रूप में संविधान के भाग 3 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के एक भाग के रूप में रक्षित है। क्लियर। इसको मान्यता दिए जाने की आवश्यकता क्या है? इंटरनेट से निजी जानकारी पिछले दोष सिद्ध और कार्रवाई के अदालती रिकॉर्ड और पिछली घटनाओं की समाचार रिपोर्ट को हटाने की मांग से संबंधित कम से कम 8 याचिकाएं दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित हैं। ठीक है, इसलिए मामला ये बार बार आ रहा है। अभी तक दिल्ली उच्च न्यायालय में 8 ऐसे मामले हैं जिनकी मांग है कि उनकी जो भी इंफॉर्मेशंस है उसको नेट से हटाया जाए। ठीक, उनके बारे में गलत इन्फॉर्मेशंस है या उसमें उन्होंने सुधार किया है वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ इन्फॉर्मेशन, तो उसको हटाने के लिए कही जा रही है। इस संदर्भ में अदालतों में अब तक कुछ ही लोग कोई राहत मिल पाई है। ठीक है, सो ये मामला क्यों उठ रहा है बार बार ये पता चल गया। ठीक है, इस प्रकार के कानून किन देशों में लागू है इसको देख लेते हैं। यूरोपीय संघ में सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन यानी जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन यानी GDPR, ठीक है। सेकेंड है, 2015 में रूस ने एक कानून बनाया गया जिसके तहत उपयोगकर्ताओं को अप्रासंगिकता, अशुद्धि और कानून के उल्लंघन के आधार पर
व्यक्तिगत जानकारी के लिंक को हटाने के लिए एक सर्च इंजन को विवश करने की अनुमति दी गई है। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है इसमें कि भुलाए जाने का अधिकार को कुछ हद तक तुर्की और साइबेरिया में भी मान्यता प्राप्त है, जबकि स्पेन और इंग्लैंड की अदालतों ने इस विषय पर कुछ निर्णय दिए हुए हैं। सो गाइज, ये रहा अभी भारत के परिप्रेक्ष्य में। अभी इस पर भारत में कोई ऐसा नियम नहीं बने हैं, कानून नहीं बने हैं। ठीक है, बाकी इसका जो जनरल अवेयरनेस था उसको हमने जान लिया, और ये 2017 के अनुसार आर्टिकल 21 के द्वारा ये संरक्षित है और ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट रिलेवेंट लगे तो प्लीज़ आप इसको रिवीजन करते रहना, अदरवाइज एज यू इज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।